ओम नमो शिवाय। कल हरियाली तीज है और ये हरियाली तीज को माता पार्वती और शिव जी की पूजा होती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए इस दिन पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं भाई कौन कौन से उपाय हैं। नंबर एक, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज पर माँ पार्वती को खीर का भोग लगाएं। भोग लगाकर भक्तों को इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, प्यार कभी कम नहीं होता है। नंबर दो, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन पति पत्नी साथ में शिव जी की पूजा करें। इसके साथ शंकर जी को लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं। यह उपाय करने से जीवन खुशहाल रहता है तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी में क्लेश रहता हो, झगड़े होते हों, तो पति पत्नी को साथ में दूध में केसर मिलाकर माता पार्वती का अभिषेक करना चाहिए। इससे झगड़ा समाप्त हो जाता है और दोनों में प्यार हो जाता है। अमोघ पूर्ण लाभ के लिए, पूर्ण लाभ के लिए हरियाली तीज पर किसी गरीब कन्या को भोजन खिलाएं। माना जाता है ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ससुराल में सम्मान पाने के लिए हरियाली तीज की पूजा के बाद अपनी सास को हरियाली तीज की थाली भेंट करें। उसमें 16 श्रृंगार का सामान रखें और सास को थाली देने के बाद उसमें से कुछ सामान उनसे मांग लीजिए या चुपचाप से निकाल कर रख लीजिए और वह सामान माता पार्वती को अर्पित कीजिए। इससे ससुराल में भी मान सम्मान बढ़ जाता है और किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। और सावन का यह प्रिय मास जितना शिव जी को प्रिय है उतना पार्वती माता को भी प्रिय है। तो आप लोग इस उपाय को ज़रूर कीजिए। ओम नमो शिवाय।